नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं आज 10 अनोखी बातें अपने बजट से संबंधित। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट से संबंधित है। इंडिपेंडेंट भारत का पहला केंद्रीय बजट आरके शानमुखन चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। और अगर हम ब्रिटिश राज के समय बात करें तो पहला इंडियन बजट 18 फरवरी 1869 में जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया गया था। और अगर हम सबसे ज्यादा बजट फाइनेंस मिनिस्टर ने कवर किया है उनके नाम की बात करें तो हमारे इतिहास के पन्नों से एक नाम पलट कर आता है, मुरारजी देसाई, जिन्होंने 1962 से लेकर 1959 तक फाइनेंस बजट कवर किया था। आपको बता दें 1955 तक बजट को इंग्लिश में ही कवर किया जाता था। इंदिरा गांधी वो पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश किया था। उन्होंने ऐसा मुरारजी देसाई के रिजाइन के बाद किया था। उन्होंने फाइनेंस का पूरा पोर्टफोलियो संभाला था। 1991 में मनमोहन सिंह ने इंडिया के बजट में पहली बार लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था। बजट को 2000 तक फरवरी के लास्ट वर्किंग डे शाम 5 बजे पेश करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि सब इसे आसानी से देख पाए, लेकिन 2001 से इसको 11 बजे पेश किया जाने लगा। 2017 में रेल बजट और फाइनेंस बजट को मिला लिया गया और इसी साल बजट फरवरी के लास्ट डे में ना होकर 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। लास्ट और सबसे मुख्य बात जो कि बजट से संबंधित है, 2021 में कोविड-19 की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमन ऐसी पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी जिन्होंने पेपरलेस बजट को पेश किया। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़ने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।